लगातार अमनौर विधानसभा का हम लोग भ्रमण कर रहे हैं, उस बीच में हमारे साथ युवा जनरेशन भी है। आइए इनसे बात करते हैं, जो पिछले 5 साल का कार्य रहा उससे कितना संतुष्ट है यहाँ के स्थानीय युवा, क्या लगता है जो 5 साल का विकास रहा आपके विधायक जी का, और उससे कितना और संतुष्ट हैं आप? देखिए, काम तो किए हैं, लेकिन विधायक हैं तो काम करना ही चाहिए। बाढ़ आ गई, ऐसी परिस्थिति बन गई जहाँ जनता को सेवा देना चाहिए था, तो विधायक हैं तो काम करेंगे ही, लेकिन उस स्तर पर विकास नहीं हुआ है जो चाहिए था। हमारे शिक्षक गण जो हैं, जाके उनसे भी पूछिए, मतलब स्कूल का भवन निर्माण हो, लोग दौड़ते रह गया, कोई भवन निर्माण नहीं हुआ। विकास हुआ है, ऐसी बात नहीं है कि विकास नहीं हुई है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। बेरोजगारी बढ़ चुकी है, ये सब सुधार करना चाहिए। और जहाँ तक बात है कि बाढ़ में सेवा करना, वहाँ तक सेवा किए हैं, लेकिन वो विधायक है तो करवे करेंगे, लेकिन और कोई सुविधा नहीं मिली है जनता को। गोल मटोल जवाब दे रहे हैं आप, दो तरह की बातें कर रहे हैं कि विधायक हैं तो काम करवे करेंगे, और एक तरफ आप शिक्षा पे सवाल उठा रहे हैं, रोजगार पे सवाल उठा रहे हैं। देखिए, मैंने क्या बोला कि बाढ़, जैसे वहाँ पे आपने पूछा था लोगों से कि क्या स्थिति है, तो उन्होंने बताया कि बाढ़ में सब किए हैं, घूमे हैं, लेकिन बाढ़ में घूमने से नहीं होगा। जनता से समस्या पूछिए, उनके बच्चों से समस्या पूछिए कि क्या है। शिक्षक गण उनके पास जाते रह गए, मतलब 20 से 25 बार गए, लेकिन स्कूल में भवन निर्माण की व्यवस्था नहीं हुई। हाई स्कूल जाके देखिए, अमनौर हाई स्कूल, कॉलेज जाके देखिए, कोई भवन निर्माण की व्यवस्था नहीं हुई है। क्या लगता है आपको, क्या लगता है? हमको लग रहा है कि यहाँ पे बीजेपी का ही विधायक हैं और बीजेपी का ही सांसद है, लेकिन विकास के नाम पर निकम्मा सरकार है, बेरोजगारी चरम पर है, शिक्षा में एकदम यहाँ का व्यवस्था चौपट है। स्कूल में जाइएगा तो एकदम शिक्षा चौपट है। नीतीश कुमार जी तो शिक्षा का, बेरोजगारी का यहाँ भंडार कर दिए हैं, बहुत सारा भंडार। और स्थानीय विधायक जो हैं वो पक्षपात करते हैं, एक जातीय पक्षपात करते हैं, ज़्यादातर अपने जातीय पक्षपात के चलते उन्हीं लोग का काम करते हैं, उन्हीं लोग का काम करवाते हैं। आपको, आप ग्रामीण इलाका में जाइएगा तो विधायक जी के प्रति बहुत आक्रोश है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये कोरोना में नहीं आए जनता के बीच, बाढ़ में नहीं आए। हाँ, बांटे थोड़ा बहुत, चिवड़ा बांट दिए जहाँ तहाँ, उससे नहीं होता है। आपका विधायकी है, यहाँ पे देखिए अभी बाढ़ का समस्या है, नीतीश कुमार के द्वारा जो सरकारी 6,000 रुपया जो बाढ़ का घोषित किया गया है, उस 6,000 में यहाँ भ्रष्टाचार इतना चरम पर है कि 2,000 रुपया ले लेकर अब दिलवाया लोग प्राइवेट से, एंट्री करने के लिए सीओ साहब दलाल रखे और उसको दिलवाएं। तो इस पर विधायक को चाहिए कि इस पर आवाज़ उठाएं, लेकिन विधायक जी नहीं आवाज़ उठाएं, क्योंकि उनका आदमी भरे पड़े हैं सब जगह। BRC को ले लीजिए, उसमें दलाल लोग भरे हुए हैं। तो यहाँ स्थानीय लोग के इतना गुस्सा है कि विधायक जी का टिकट भी कट गया, देखिए बीजेपी टिकट काट दिया। ये दोनों विधायक जो उम्मीदवार हैं जदयू के, पहले थे, 3 दिन में आ गए बीजेपी में, टिकट दे दिया। अरे भाई, यहाँ दूसरा भी कार्यकर्ता था, उसको दे देना चाहिए था टिकट। क्या लगता है विकल्प में, क्या लगता है आप लोगों? विकल्प में है आजकल सुनील राय, RJD के प्रत्याशी, उनका लहर है। आप जनता के पास जाइए, अब विकल्प में सुनील राय ही बच गए हैं, जो इस उनके राज में शासन का, मतलब प्रशासन का नहीं, जनता का राज चलता है, और जनता ही मालिक उनके अथी होता है। अभी वो प्रमुख थे स्थानीय, तो प्रमुख के कार्यकाल में वो अपने आज तक चेयर पर नहीं बैठे हैं। हर शुक्रवार को वो जाकर पीपल के गाछ तर ब्लॉक में और जनता का समस्या सुनते हैं, और तुरंत अफसर को बुलाकर वही समस्या का निदान करते हैं। ऐसा है सुनील राय प्रमुख जी, तो जनता भरोसा कर रहा है माननीय प्रमुख जी सुनील राय के प्रति, और उन्हीं को विकल्प मान रहा है, और पूरा लहर है उन्हीं का। क्या लगता है, क्या लगता है, रोजगार की बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव कि 9 लाख लोगों को रोजगार देंगे। सबसे पहले तो ये युवा रोजगार, युवा जो है बेरोजगारी मेन मुद्दा यहाँ, सबसे ज्यादा रोजगार, और बेरोजगार के साथ साथ शिक्षा भी चौपट है। हमारे विधायक हो या नेता हो या सांसद हो या मुख्यमंत्री हो, 15 साल हुआ, कुछ नया चाहता है बिहार, रोजगार दे सरकार, पढ़ाई शिक्षा व्यवस्था सब चौपट हो गई है। उसमें अगर सुधार हो जाता तो मेरा बिहार सबसे आगे रहेगा। सबसे निचली कदम में, सबसे भारत में जितने राज्य हैं सबसे नीचे है मेरा बिहार शिक्षा के मामले में। और तो बहुत जो हो रहा है, विधायक के कार्य से कितना संतुष्ट हैं आप? कुछ संतुष्ट हैं, कुछ अंत संतुष्ट भी हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ पूरे विधायक जी के एकदम पक्ष में ले ले और उनका काले काल जपत रहे, माला जपत, नहीं। कोई नया चाहिए हमारे क्षेत्र में, कुछ नया चाहिए। हम
विधायक जी किए जो किए, जो करना था उसको अपने किए, अपने हिसाब से जो करना था कर दिए। अब हम लोग को बस युवा चाहिए, युवा नेता चाहिए, रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बस ये सब तो दो रोटी रोटी मकान घर तो मिल ही रहा है ना, सब सिर्फ शिक्षा चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा का, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य। क्या मतलब आप बोले ना, उनसे पूछे कि तेजस्वी यादव 9 लाख रोजगार देंगे, ये बात सही है। बीजेपी का भी पत्र देखेंगे तो मोदी की भी तो मुंह 19 लाख का 19 लाख रोजगार सृजन करेंगे। कहाँ है रोजगार सृजन? मतलब रोजगार नहीं देंगे, रोजगार को ढूंढेंगे, व्यक्ति करेगा तो करवाएंगे। लेकिन जो तेजस्वी यादव का है कि रिक्त पदों पर भर्ती होगी, नौकरी सैलरी मिलेगी महीने की 10 लाख, बात सही है, जनता भरोसा दिखा रही है और इस बार तेजस्वी यादव की सरकार बन रही है। तेजस्वी यादव 15 साल जो उनके पिताजी का और उनकी माता जी का कार्यकाल रहा, उसमें क्या ऐसी कमियां रही कि 15 साल बिहार से दूर रहना पड़ा? देखिए 15 साल में कुछ कमी भी थी, लूटपाट भी चरम सीमा पे थी, लेकिन सब लोग ये कहता है कि लालू यादव ने लूटा, राबड़ी देवी ने लूटा, उनके बेटे लूट रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। जो लालू यादव ने किया, जहाँ तक हम लोगों के लिए, युवा के लिए, आज मढ़ौरा में पॉलिटेक्निक कॉलेज खुला हुआ है, लालू यादव की देन है, आईटीआई कॉलेज है, बच्चा जाकर डिप्लोमा करता है वहाँ पे, लालू यादव की देन है। लेकिन यहाँ पे नीतीश कुमार ने 15 वर्षों में, आप बता दीजिए कि यहाँ पे एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं लगा, मेडिकल कॉलेज नहीं लगा। यहाँ की आप सरकारी स्कूल की व्यवस्था देखिए, एकदम मतलब ठप है पूरी तरीके से। शिक्षकगण जाते हैं, हाजिरी बनाते हैं, बैठते हैं, अब बच्चा एकदम देख रहा है, घूम रहा है, कोई नीतीश कुमार का वो नहीं। तेजस्वी यादव जी समान काम समान वेतन देंगे।